हेलो फ्रेंड्स एंड नमस्ते जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड आप लोगों को मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी। काफ़ी अच्छी तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू आर लाइकिंग दीज इनिशिएटिव्स। जितने भी वीडियोस मैंने अभी तक डाली हैं, तो आइए जो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स हैं मेरी चैनल पे, जो आज पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि इस चैनल के बारे में। इस चैनल पे हम जीएस रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो कवर करेंगे। और जैसे कि अभी तो बहुत नया चैनल है, अभी आज थर्ड डे ही है एंड अभी करंटली हमने उत्तराखंड पीसीएस करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स जो है चलाया हुआ है, और आज हम उसके लिए फोर्थ लेक्चर के लिए यहाँ पे आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेक्चर फोर्थ है। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं एंड यू कैन वॉच दीज वीडियोज ऑन माई चैनल इजिली, फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए ये जो है करंट अफेयर्स कोर्स है। और मैं आपको पहले कुछ चीज़ें जो है, छोटी सी अनाउंसमेंट है, वो कवर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ की है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ जो है यूज़ कैसे करनी है, कैसे आपको यूज़ करनी है वीडियोज़। देखिए, मुझे पता है आप अभी के टाइम पे अगर आपसे एक सीरियस कैंडिडेट हो तो आपका जो जीएस प्रिपरेशन है वो साइमेंटेनियसली हर दिन चल रहा होगा। आप सुबह शाम जो भी आप अपने घर में या लाइब्रेरी जाके पढ़ते हैं, आप जीएस पढ़ रहे होंगे एंड जीएस को आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट करंट अफेयर जो है खत्म करके जीएस पे भी आऊंगा फटाफट। अब करंट अफेयर खत्म करूंगा तो उत्तराखंड की जीएस में सबसे पहले प्रायोरिटी पे करूंगा, उसके बाद मैं ल्यूसेंट की जितनी भी जीएस है उसको भी पढ़ाने वाला हूँ, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये वीडियोज जो है सबसे पहले मैं इसलिए लाया क्योंकि एग्जाम जो है काफी नजदीक है, तो इसलिए मैं करंट अफेयर पहले जो है कवर करना चाहता हूँ, पहले करंट अफेयर करना कवर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, आप जो है अपने जीएस रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो करते रहिए साइमल्टेनियसली एंड एवरी डे। मैं हर दिन ये वीडियो जो है रिलीज कर रहा हूँ, एक वीडियो आपको हर रोज, ये वीडियो साथ के साथ लेक्चर ले रहे हैं, आपको एक साथ 1, 2, 3, 4 लेक्चर कंबाइंड नहीं करके देखने, आपको छोड़ना नहीं है। आप रेगुलर रहिए, जैसे मैं रेगुलरली वीडियो डाल रहा हूँ, आप भी रेगुलर रहो तो आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे इस जो मैं कोर्स चला रहा हूँ। ठीक है, फ्री इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है आराम से वीडियो देखें और वीडियो देखें ही ना। ठीक है, आपको आराम से देखनी है, हर दिन देखेंगे, धीरे धीरे देखनी है। ठीक है, आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हो। मैं तो ये चाहूंगा कि आप जो है जीएस से जब आप पढ़ पढ़ के थक चुके होंगे तब भी आप वीडियो प्ले कीजिए। ठीक है, तब ज्यादा मेरे को लगता है कि आप जो है बेटर यूटिलाइज कर पाओगे इस वीडियोज को। ठीक है, एक थोड़ा सा आपके लिए चेंज भी हो जाएगा, आप जीएस पढ़ पढ़ के थोड़ा सा बोरिंग या फिर कह लो या फिर थोड़ा सा सैचुरेशन हो चुका होगा आपके माइंड का, तो आप ये वीडियोस जो है बाद में देखो, पहले जीएस अपना पूरा दिन पढ़ो, उसके बाद ये करंट अफेयर की वीडियोस जो है डेली देखनी है आपको एग्जाम के लिए, और ये हर एक एग्जाम के लिए है। ठीक है, जितना भी उत्तराखंड में एग्जाम होने वाला है, ये जो करंट अफेयर में पढ़ाने वाला हूँ आपके लिए हर एक एग्जाम में आने वाली है। कोई एग्जाम में जो है ये पर्टिकुलर में कोई पीसीएस के लिए, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, हर एग्जाम में कवर करने वाला हूँ ये चीज, कवर होंगे चीज। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ मेरा जो फ्यूचर प्लान है, इस चैनल पे जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ, करंट अफेयर क्रैश कोर्स तो फिलहाल अभी हमारा चल ही रहा है, इसके साथ साथ आगे मैं आपको, ताकि आप जो है अपनी तैयारी उसी हिसाब से करते रहो, आप जो है मैं आपको बेटर पिक्चर देना चाहता हूँ कि इस चैनल से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं फटाफट से लॉन्च करूंगा करंट अफेयर खत्म करने के बाद, जितने भी करंट अफेयर जो है मेरा मेन मेन है वो करंट अफेयर में खत्म करूंगा, उसके बाद जो है मैं लॉन्च करने वाला हूँ उत्तराखंड, एक सेकेंड पेन नहीं चल रहा, क्या हो गया, हाँ उत्तराखंड की जीएस। ठीक है, इसके बाद मैं उत्तराखंड की जीएस कवर करूंगा। ऑल्सो एक चीज और, मैं करंट अफेयर जो अभी कवर कर रहा हूँ इसके साथ साथ मैं एक इनिशिएटिव और लॉन्च कर रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए, जिसमें मैं क्या करूंगा, जैसे हर दिन हम एक बार पढ़ते हैं, हर दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो मुश्किल से एग्जाम के लिए कभी कभी अच्छा दिन हो तो 4 से 5 चीजें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे आज का अखबार था, आज के अखबार में मुश्किल से 2 या 3 चीजें थी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। तो रादर देन मेकिंग अ वीडियो डेली न्यूज़पेपर पे, मैं क्या करूंगा, मैं वीकली जो है इन न्यूज को कवर करूंगा। ठीक है, ताकि अगर आप अखबार बाई चांस आपका किसी दिन स्किप हो गया या फिर आप अखबार पढ़ नहीं रहे हैं, तो इसके लिए मैं, इसके लिए आपको यहाँ से आपकी जो पूर्ति हो जाएगी, आप जो है इन वीडियोस को देखना, मैं वीकली बनाऊंगा वीडियो। जैसे फॉर एग्जांपल ये वीक चल रहा है, तो इस वीक की मंडे से लेकर संडे तक की जितने भी इवेंट्स हुए, जितनी भी घटनाएं घटी हैं, मैं वो वीडियो जो है
इस वो जो कंटेंट है मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा आपको, आपको जितनी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट चीजें होंगी आपको यहाँ सब मिलेगी, ठीक है। तो आप इस चीज के लिए निश्चिंत रह सकते हैं, मैं आपको ये इनिशिएटिव जल्द ही लॉन्च करने वाला हूँ, बल्कि मैं इसी हफ्ते से, जो इसी वीक है, दिस वीक से ही मैं ये जो है स्टार्ट कर दूंगा। अभी संडे को मैं जो है एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, जो भी इस हफ्ते में जो भी घटनाएं घटी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, इसके लिए संडे को मैं अपनी पहली वीडियो है जो रिलीज कर दूंगा। सॉरी, संडे कल है, मैं अगले संडे से रिलीज करूंगा फिर, कल संडे। तो ये वीक तो जो है मैं फॉलो नहीं कर पाया डेडिकेटेडली इस इनिशिएटिव के लिए, तो नेक्स्ट संडे से जो है या फिर सैटरडे से मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा अपनी आने वाली वीडियोस में। तो ऐसी इनिशिएटिव मैं एक लाने वाला हूँ, तो ठीक है, आप थोड़ा दिमाग में रखना कि ऐसी इनिशिएटिव के लिए इस साल पे आपका जो है काम हो जाएगा। सेकेंड चीज क्या है, मैंने आपको बताई पहले उत्तराखंड जीएस में पढ़ाऊंगा, उसके बाद में लूसेंट की जो जीएस है उसमें जो कंसेप्ट थोड़े बहुत जो बनते हैं उसके लिए मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो है वो तो आप आराम से अपने आप ही कर लोगे। अब मैं आपको बैठ के ये तो रटाऊंगा नहीं कि इसकी लंबाई इतनी है, 4.3 है तो उसको रट लो, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें जो है वो आपको खुद करना है। जहां तक कॉन्सेप्ट्स की बात होती है तो मैं कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा, और कॉन्सेप्ट्स जितने भी हमारे बनते हैं मेजोरिटी ज्योग्राफी से, पॉलिटी से, काफी लोगों को पॉलिटी जो है थोड़ा मुश्किल लगता है, तो पॉलिटी से जितने भी कॉन्सेप्ट्स बनते हैं, जो भी कुछ बनता है, मैं आपको बहुत आसानी से वो चीजें कवर करा दूंगा। बट ये बेसिकली बात ये है कि मैं करंट अफेयर इसलिए पहले ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम जो है फटाफट आने वाले हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 21 तारीख को एपीयू का एग्जाम है, अगर एपीयू का आप एग्जाम दे रहे हैं और करंट अफेयर से आपको चाहिए तो करंट अफेयर आप इस चैनल से आराम से ले सकते हैं, ये करंट अफेयर आपके लिए बहुत यूज आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा अपना चौथा लेक्चर जिसके लिए हम आज आए हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने फर्स्ट टाइम व्यूअर्स के लिए। मेरा नाम शिवम मौर्य है, मेरी ग्रेजुएशन बी कॉम ऑनर्स हिंदू कॉलेज से हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। करंटली मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूँ और मेरी मास्टर्स चल रही है पॉलिटिकल साइंस में। तो ये छोटा सा मेरे लिए मेरा इंट्रोडक्शन था, ठीक है, पता होना चाहिए आपको आप पढ़ किस रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो जो है वीडियो लेक्चर्स में अपनी वीडियो जो है अपनी भी वीडियो कवर करूँ, बट मेरे पास अभी थोड़ा अच्छा कैमरा नहीं है, तो धीरे धीरे थोड़ा चैनल ग्रो करेगा, थोड़ा सा पॉजिटिव आप लोग भी मुझे फीडबैक देंगे तो लगेगा कि हाँ भाई इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा ठीक है, तो मैं शायद इसमें इन्वेस्ट करूँ, एक कैमरा लेके आऊँ। तो बेसिकली मेन हमारा जो एम यह है कि हमको एक इंटरेक्टिव क्लास रखनी है, ठीक है, बोरिंग क्लास नहीं रखनी, इंटरेक्टिव क्लास करनी है, मतलब मजे मजे में पढ़ना है, ठीक है, मजे मजे में पढ़ना है, कोई पढ़ना पढ़ाई के लिए हमको यहाँ पे कोई स्पेशली जो है बोरियत नहीं लानी यहाँ पे। तो इस तभी आप देखोगे मेरी स्लाइड जो है बहुत इंटरेक्टिव है, बहुत मैं हर एक स्लाइड में अलग अलग चीजें जो यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है इन चीजों में। अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए ये सब कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छा हो रहा है, तो आप वो कमेंट करके जरूर बताना कि सर आपकी वीडियो जो है बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत इजी न्यूज लग रही होगी, पुष्कर धामी बिकम सीएम। आप सभी को पता है हमारे सीएम का नाम सीएम पुष्कर सिंह धामी जी है, ठीक है, लेकिन एक इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, नाम कभी कोई नहीं पूछा कि हु इज द सीएम ऑफ उत्तराखंड, ये तो एग्जाम में मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्वेश्चन में एग्जाम में क्या आ सकता है आइए वो देखते हैं। ही बिकेम 11th सीएम ऑफ उत्तराखंड, वो 11वें चीफ मिनिस्टर है, 11वें जो है सीएम है वो हमारे उत्तराखंड के, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट तो मेरे ख्याल से यही है, ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल सीएम इन उत्तराखंड, सबसे ज्यादा यंगेस्ट है वो, 45 ईयर्स की उनकी जो है एज है, 45 ईयर्स की वो है, तो ही इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल सीएम उत्तराखंड, जितने भी सीएम बने हैं आज तक उत्तराखंड की हिस्ट्री में वो सबसे यंग है, ठीक है, याद चीज आपको याद रखनी है। कैबिनेट में उनके 11 मंत्री हैं, 11वें वो सीएम है और 11 ही उनके कैबिनेट में मंत्री हैं, तो ये आसान हो गया। अच्छा, काफी लोगों को पता होगा पिथौरागढ़ के जितने भी हैं या फिर उनके आसपास से, उनको लगता है कि पिथौरागढ़ से हमारे मुख्यमंत्री साहब तो पिथौरागढ़ से हैं, तो वो एमएलए भी शायद वहीं से होंगे, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, खटीमा की सीट से वो एमएलए है, ठीक है, खटीमा से वो एमएलए है, पिथौरागढ़ से नहीं है। तो ये हमारी बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने इस चीज में देखनी थी। अच्छा, जिनको एमएलए और एमपी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन है एमएलए एमपी में जिसको पता नहीं है, तो थोड़ा सा आपका मामला जो है थोड़ा सा सीरियस है, तो आपको अगर लगता है कि आपको एमएलए और एमपी पे इस पे बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक वीडियो चाहिए, तो मेरे को आप कमेंट करो और मेरे को बताओ कि आपको क्या कन्फ्यूजन है, तो ताकि मैं आपको बेटर अंडरस्टैंड करा सकूँ कि क्या आपकी जो डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, उत्तराखंड ₹1 वाटर कनेक्शन, उत्तराखंड ने क्या किया है, ₹1 में वाटर कनेक्शन जो है बांटना जो है शुरू किया है। उत्तराखंड बिकम्स फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य ऐसा बना है जो वाटर कनेक्शन जो है ₹1 में दे रहा है, मात्र मात्र ₹1, ये तो एक तरह से टोकन मनी हो गया, ठीक है, जो सरकार के खाते में जा रहा है, बिल्कुल ना के बराबर ही है, फ्री समझो उसको, ठीक है, ₹1 में वाटर कनेक्शन मिल रहा है। दिस स्कीम विल कवर 3.58 लाख हाउसेज विद अ बजट ऑफ 1565 करोड़,
बजट थोड़ा सा शायद लगता है मुझे इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैं डाल दिया। बाकी ये तो फिगर जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बजट जो है, कितना बजट जो है अलॉट हुआ है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, 1565 करोड़, ये चीज आपको याद रखनी है। जल जीवन मिशन स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड अलॉन्ग विद द स्कीम इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब जल जीवन मिशन जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है मिनिस्ट्री है, उसका ये इनिशिएटिव है। ये स्कीम के तहत क्या होने वाला है, 2024 तक इनको हर एक घर में एक फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन देना है। मतलब हर एक घर में पानी की टंकी इनको पहुंचानी है, ये इनका इनिशिएटिव है, ये इनकी स्कीम है। टंकी, पानी की टंकी इनको पहुंचानी है, तो ये इनका स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जल जीवन मिशन। तो अब उत्तराखंड का वाटर कनेक्शन की जो स्कीम होगी और ये जल जीवन की स्कीम होगी, दोनों कंबाइन होके अब क्या होगा कि इनकी जो फंड्स है वो पानी की टंकी में ऐड होंगे और इनका जो स्कीम है वो कनेक्शन लेने के लिए ऐड होंगे, कनेक्शन लेने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो दोनों स्कीम जो है कंबाइन हो जाएगी। यहाँ पे हमको ये चीज याद रखनी है कि जो उत्तराखंड का वाटर कनेक्शन की जो स्कीम है वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, उत्तराखंड जल संस्थान, स्वजल एंड उत्तराखंड पेयजल, ये जो है इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटीज है उत्तराखंड वाटर कनेक्शन की। ठीक है, जल जीवन मिशन की मैंने आपको बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है आपको मैंने बता दी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी है, और जो हमारी उत्तराखंड की वाटर कनेक्शन है उसकी जल उसकी जो अथॉरिटी है वो उत्तराखंड जल संस्थान, स्वजल, उत्तराखंड पेयजल, ये जो है तीनों, ये तीनों ही आपको याद रखनी है, जल संस्थान और आपकी जो है उत्तराखंड पेयजल, पेयजल ये तीनों, ये दोनों जो है आपकी संस्थान और स्वजल, स्वजल भी है सॉरी, ये तीनों जो है आपकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है इस न्यूज से। और जितने भी मेरे थोड़े हिंदी मीडियम के छात्र हैं, वो वैसे तो मैं अपनी सारी जो वीडियो है मैं पूरी हिंदी में कवर करता हूँ, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी थोड़ा सा लगे कि मैं वो और जो है हिंदी में जो है कर जो है जो अपनी स्लाइड जो प्रोवाइड करनी चाहिए, तो मेरे को जहाँ लगता है मैं वहाँ पे एक हिंदी स्लाइड भी डाल देता हूँ। देखिए, प्रदेश सरकार ने हर घर को नल पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य 2024 का रखा है, मैंने आपको बताया जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, इसके लिए इस वित्तीय वर्ष 1465 करोड़ रुपए का खर्च होंगे, मैंने आपको बताया 1465 करोड़ को खर्च होंगे। इस योजना के अंतर्गत घरों को हर दिन 16 घंटे पानी उपलब्ध कराया जाएगा, पानी की उपलब्धि के साथ पानी की शुद्धता पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये सब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं स्कीम के। नेक्स्ट न्यूज पे हम आते हैं, इंडियाज फर्स्ट ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज टू बी बिल्ट इन उत्तराखंड। बहुत ही अनोखी चीज जो है हमारे ऋषिकेश में आने वाली है, बहुत ही, मैं तो थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इसके लिए कि कब ये चीज जो है आएगी ऑन ग्राउंड लेवल पे। आइए देखते क्या चीज है। कंट्री का जो पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज है वो बनने वाला है ऋषिकेश में। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं, इसमें मैं जब मैं ये स्लाइड बना रहा था तो इसमें एक ट्रिक ये थी कि फर्स्ट ग्लास ब्रिज जो है पहले ही ऑलरेडी असम में खुल चुका है। ठीक है, तो मैंने देखा ये फर्स्ट कैसे हुआ फिर, तो ये फर्स्ट ऐसे हुआ कि ये सस्पेंशन ब्रिज है, वो जो इनॉग्रेट हुआ सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। तो पहला सस्पेंशन ब्रिज इंडिया में ग्लास का कहाँ पे इनॉग्रेट होने वाला है, कहाँ पे खुलने वाला है, तो वो ऋषिकेश है। ठीक है, इसमें ये थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रिक है, वैसे कोई एग्जाम मुझे लगता नहीं एग्जाम वाले ऐसे फंसाएंगे इस चीज में, मैं थोड़ा सा आपको चेतावनी दे रहा था कि इसमें एक चीज है ये कि जो असम में भी एक जो है ब्रिज ऐसे है ग्लास का। ठीक है, तो इस कौन बनाएगा इसको, पीडब्ल्यूडी ऑब्वियसली इज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज विच वुड हैव अ फ्लोर विद अ टफ एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। अच्छा, ये ग्लास जो है इसके आर पर आप देख सकोगे। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर चलोगे, इस पुल के ऊपर आप जब चलोगे तो उसके जो नीचे गंगा मैया जो बह रही होगी वो आप देख सकोगे, आपको लगेगा कि आप हवा में चल रहे हो। तो बेसिकली ये फील आपको देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, ये चाइना में जो है बड़ा फेमस एक ये ग्लास ब्रिज है, तो वहीं से ये जो है पूरी दुनिया में फेमस हुआ है, जो चाइना ने पहले ये बनाया था। ठीक है, इसकी जो है लंबाई 132.3 मीटर होने वाली है, आपको पता होना चाहिए 132 मीटर का जो है ये ब्रिज बनने वाला है। ये छोटी सी एक फैक्ट है जो आपको शायद पूछ सकते हैं, आपके माइंड में होनी चाहिए कि 130 मीटर के आसपास की जो है इसकी लंबाई होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज को हम देखते हैं अब। इंडिया सॉरी उत्तराखंड पिरुल पावर जनरेशन स्कीम, ये स्कीम जो है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने की जो है काम आएगी। सबसे पहले जब मैंने न्यूज़ पढ़ी तो मैं तो कंफ्यूज हो गया था कि ये पिरुल होता क्या है, क्योंकि हम जितने भी प्लेन के जो है हम लोग हैं उनको पिरुल के बारे में शायद पता नहीं होगा। ओह, शायद मैंने
आपको फोटो डालना, मैं शायद फिर से भूल गया इसकी, ये आपको मैं फोटो दिखा देता तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड कर पाते। कोई बात नहीं, आप पिरुल जो है आप जो है गूगल सर्च करना तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा पिरुल होता क्या। बेसिकली आप अगर कभी पहाड़ पे गए होंगे तो ऐसे करके एक ब्राउन से कलर का एक ऐसे करके चीज़ें, मतलब एक पत्थर सा, पत्थर तो नहीं, एक पेड़ से गिर के जो है वो सूखा सा पड़ा रहता है ग्राउंड पे, ब्राउन कलर का होता है ये, ठीक है। तो आप पिक्चर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो इससे जो है बिजली बनने के काम आएगा। तो आइए देख लेते हैं स्कीम है क्या। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम पिरुल विल बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी दैट विल बी अ क्लीन एनर्जी। ऑब्वियसली ये जो है अगर इससे बन, प्राकृतिक चीज से बन रहा है तो क्लीन एनर्जी होगा। गवर्नमेंट हैज साइन एन एग्रीमेंट विद 21 कंपनीज विच विल जनरेट 675 किलोवाट ऑफ एनर्जी। ये फिगर जो है आपको याद रखना है, 675 जो है ये फिगर आपको याद रखना है। स्टेट्स ओनली पावर जनरेटिंग कंपनी उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल साइन अ परचेजिंग पावर एग्रीमेंट। पीपीए का मतलब होता है परचेजिंग पावर एग्रीमेंट, अंडर विच उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल परचेज इलेक्ट्रिसिटी एट ₹7.54 पर यूनिट। सिर्फ आपको अवेयर करने के लिए मैंने पॉइंट डाला है, ये कितने में खरीदेगा ऐसा कोई एग्जाम में पूछने वाला है नहीं आपसे, बट आपको अवेयर करने के लिए मैंने पॉइंट डाल दिया। अंडर द स्कीम स्टेट गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ जनरेटिंग 5 मेगावाट टिल 2021 एंड 100 मेगावाट टिल 2030। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। अब इसमें जो है गवर्नमेंट ने क्या सेट किया है कि 5 मेगावाट जो है आपको 2021 तक बनानी है, यानी अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। अब ये स्कीम हम कहाँ तक पहुंचे ये तो समय ही बताएगा। और 100 मेगावाट जो है आपने कहा है कि आप 2030 तक अचीव करना चाहते हैं। तो दो, ये दो टारगेट है इस योजना के जो आपको याद रखने, एग्जाम में पूछ लेंगे कि जो दो टारगेट है आपको 2021 तक कितने कितने वाट बिजली बनाने का टारगेट जो है हमने इस स्कीम में रखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि 2021 तक हमने 5 मेगावाट और 2030 तक 100 मेगावाट, ये हमारे टारगेट्स हैं। एग्जाम में ये पॉइंट जरूर पूछ सकते हैं। ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट विल बाय पिरुल एट 1 पर केजी फ्रॉम लोकल पीपल। इसका मतलब ये है कि जो, क्योंकि पहाड़ों में जितने भी ये चीज पेड़ से काफी आपको भारी मात्रा में मिलेगी ये चीज पड़ेगी। मेरे ख्याल से ये चीड़ के पेड़ होते हैं, चीड़ की पत्तियां बोलते हैं शायद इसको, ठीक है। उसमें से आपको एक, मतलब बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे ये, तो 1 रुपए प्रति केजी पे सरकार इसको आपसे लेगी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा रोजगार आपका बढ़ जाएगा। आप जो जंगल में जा रहे हैं, मैत्री महिलाएं हमारी जाती हैं, आप चारा लेने जाती हैं, तो उसके साथ आप ये भी ले सकते हैं ताकि इसके लिए आप, आपको पैसा मिल सके। तो सरकार ने एक मुहिम चालू की है इस चीज से बिजली बनाने की, ठीक है। एक नाम इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है, वो नाम हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। रजनीश जैन, एक सेकेंड में थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, जगह थोड़ी कम है। रजनीश जैन ऑफ पिथौरागढ़ हैज ऑलरेडी मेड अ पावर जनरेशन प्लांट आउट ऑफ पिरुल विच इज बिलीव टू द फर्स्ट इन द स्टेट। यानी आपको अगर क्वेश्चन आए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने पहले से ही, या फिर उत्तराखंड का पहला पावर जनरेटिंग प्लांट बना है जो पिरुल से चलता हो, या फिर पिरुल उसका मेन फ्यूल हो, ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति है, तो उसका नाम है रजनीश जैन जी। पिथौरागढ़ में इन्होंने काम किया है, पिथौरागढ़ के निवासी हैं। पिथौरागढ़ में इन्होंने पहले ही ये एक जो है पावर प्लांट ये लगा चुके हैं जो पिरुल से बिजली बनाता है। तो ये नाम आपको याद रखना है, ठीक है, रजनीश जैन जी। तो ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ये भी पूछ सकते हैं स्टेट अवे कि उत्तराखंड पिरुल पावर जनरेशन स्कीम जो है वो किस लिए है, ठीक है। ये किस लिए है, मतलब ये इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये इसके मायने क्या है, एग्जाम ये स्कीम बनी क्यों है। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि एग्जाम ये स्कीम जो है क्यों। अगेन मेरे हिंदी मीडियम जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे, देख लो ये मैंने आपके लिए डाल दिया है मेटेरियल इसके लिए। तो पिरुल बिजली पैदा कर सकता है जो बदले में रोजगार के अक्सर पैदा कर सकता है। अच्छा, एक और पॉइंट मैं आपको बताना भूल गया, वो पॉइंट ये है कि अक्सर क्या होता है, आपको पता है कि उत्तराखंड में हमारे फॉरेस्ट फायर कितनी ज्यादा होती है। तो फॉरेस्ट फायर का उसमें से काफी ज्यादा जो बढ़ जाती है उसका एक कारण ये पिरुल होता है, क्योंकि पिरुल जो है बहुत सूखा होता है, तो ये बहुत जल्दी आग पकड़ता है, बहुत जल्दी आग पकड़ता है। तो इस, मैंने आपको बताया ये पहाड़ी इलाके में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, और जितनी ज्यादा मात्रा में होगा अगर ये आग पकड़ ले तो जितनी भी हमारी जो फॉरेस्ट फायर है वो और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको जो है अच्छे काम के यूज में लाने के लिए, इस पिरुल को हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छी मुहिम, मैं ये कहूंगा कि इसको जो है कम करने के लिए और इसका बेटर यूज करने के लिए स्कीम चलाई है।
तो आपको जो है जब भी ये स्कीम पढ़नी है, आपको इस कंटेक्स्ट में भी पढ़नी है कि जो पिरुल होता है वो फॉरेस्ट फायर में काफी मदद करता है, और हमें फॉरेस्ट फायर कम करनी है, ज्यादा नहीं करनी। फॉरेस्ट फायर बहुत हानिकारक होती है जानवरों के लिए, पर्यावरण के लिए, आप सभी को पता है वो चीज। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इस न्यूज से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। रजनीश जैन जी का नाम याद रखना है, और ये जो टारगेट है वो याद रखना है, 675 किलोवाट ऑफ एनर्जी जो है ये याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर टू कम अप इन उत्तराखंड। पहला जो है इंडिया का स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर है जो उत्तराखंड में बनने वाला है। ऑब्वियसली स्नो लेपर्ड जो आपको पता होगा, थोड़ी बेसिक सी चीज, आपकी नॉलेज अच्छी हो तो स्नो लेपर्ड आपको पता है कि बर्फीले क्षेत्रों में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे अच्छी खासी बर्फ हो। मसूरी में नहीं मिलेगा, मसूरी में भी बर्फ पड़ जाती है, तो मसूरी में आपको स्नो लेपर्ड नहीं मिलेगा। ये आपको हाइट में मिलेगा, जहाँ पे हाइट हो और वहीं पे जहाँ पे हाइट होती है वहां पे ज्यादा बर्फ होती है, ऑब्वियसली बात है, जो बेसिक ज्योग्राफी है। ठीक है, तो स्नो लेपर्ड वहीं मिलेगा जहाँ पे ज्यादा बर्फ हो और हाइट पे हो। तो उत्तराखंड का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर विल बी ओपन उत्तरकाशी। तो उत्तरकाशी जो है दोनों हमारे कंडीशन फुलफिल करता है, हाइट पे भी और बर्फ भी पड़ती है यहाँ पे ज्यादा। तो उत्तराखंड फॉरेस्ट डिवीजन में उत्तराखंड में ये पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनने वाला है। द कंजर्वेशन सेंटर विल बी बिल्ट बाय द उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलॉन्ग विद UNDP। अब ये UNDP क्या होता है? UNDP जो है आपने देखा होगा अगर आप करंट अफेयर्स या फिर न्यूज़ पढ़ते हो, तो UNDP जो है यूनाइटेड नेशंस की एक जो है संस्था है, या फिर एक NGO टाइप है, एक एजेंसी है। फॉर एग्जाम्पल NGO भी छोड़ो आप, एक एजेंसी है जो पावर्टी को, पावर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करती है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पावर्टी इसको प्रमोट करती है। तो इस चीज के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो दिस इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आप जो है कंजर्वेशन सेंटर खोलना चाहते हैं इंडिया में, पहला जो बनेगा उत्तरकाशी बनेगा, तो इसके लिए UNDP ने जो है फंडिंग दी है, अलॉन्ग विद होम उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, एज पार्ट ऑफ 6 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयस। तो सिक्योर हिमालय जो है एक प्रोजेक्ट का नाम है जिसमें ये जो है स्नो लेपर्ड को जो है कवर करेंगे, इसको कंजर्व करेंगे, क्योंकि इनको आपको पता होना चाहिए कि ये जो है काफी कम नंबर में रह गए हैं, ज्यादा नहीं रह गए ये। तो इनको बचाने के लिए, इनकी जो इनका जो नंबर है वो इंक्रीज करने, इनको बढ़ाने के लिए ये जो है सिक्योर हिमालय जो है प्रोजेक्ट वो लॉन्च किया था। तो उसी के तहत जो है पहला कंजर्वेशन सेंटर जो है उत्तरकाशी में खोला जा रहा है। ठीक है, तो आपको उत्तरकाशी जो है नाम याद रखना है कि कहाँ पे खोला जा रहा है। देख लेते हैं कि देर आर करेंटली 86 स्नो लेपर्ड्स इन द उत्तराखंड बेस्ड ऑन वेरियस रिसर्चेस। काफी रिसर्चर्स की माने तो हमारे उत्तराखंड में 86 लेपर्ड है। वैसे स्नो लेपर्ड एक ऐसा जो है जीव है जिसका जो सेंसस है जो हो नहीं पाया, टाइगर का हमने कर लिया, एलिफेंट का हमने कर लिया, पर स्नो लेपर्ड की जब बात करते हैं तो स्नो लेपर्ड क्योंकि वो बहुत हाइट पे रहता है तो वहां पे जो है इनका जनगणना करनी काफी मुश्किल जाती है। तो इसलिए भारत सरकार जो है अभी तक इसके एग्जैक्ट नंबर जो है नहीं निकाल पाई है। तो एक बेसिक सी स्टडी के अनुसार अगर हम देखें तो इनका नंबर जो है 86 है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, मुझे लगता नहीं कि क्वेश्चन पूछेंगे कि कितने, क्योंकि ये जो है नंबर जो है टेंटेटिव है, कोई फिक्स तो है नहीं। ठीक है, अगर आपका टेंटेटिव नंबर है तो आज 86 है, क्या पता कल कोई मिल जाए तो 88 हो जाए। तो जब तक एग्जाम रिलीज होगा या फिर जब तक आपके आंसर की आएगी तब तक नंबर चेंज हो चुका हो, तो इस पर डिस्प्यूट हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है शायद मेरे हिसाब से नहीं आने चाहिए। तो आपको फिर भी थोड़ा सा आइडिया रखने के लिए कि 80 की लाइन में है उत्तराखंड के अंदर है ये, कि पूरे इंडिया में नहीं, पूरा सिर्फ उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ मैं। द स्नो लेपर्ड इज शेड्यूल्ड वन एनिमल अंडर द वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया एंड इज लिस्टेड एज एंडेंजर्ड। ये भी न्यूज शायद ना पूछे बट मैंने डाल दी है कि अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ करना हो, इस टॉपिक से जो है उनको क्वेश्चन पूछना हो, तो ये जो है शेड्यूल वन की में आता है। अब शेड्यूल वन टू थ्री क्या होता है ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शेड्यूल वन में अगर कोई एनिमल है, कोई भी जीव या फिर कोई भी प्लांट है, तो उसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। टू में है तो उसकी थोड़ी सी कम होगी, उसकी सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होगी। ठीक है, टू में है तो उसकी कम होगी, और थ्री में है तो उसकी सबसे सबसे कम होगी, यानी वो काफी ज्यादा नंबर में है, और इसकी अभी इतनी जो है सुरक्षा करना अभी जो है उचित नहीं है इन दोनों के मुकाबले। ठीक है, तो ये शेड्यूल वन में आता है, और ये जो है IUCN की जो एक रेड लिस्ट होती है, एक रेड लिस्ट होती है, तो उसमें ये एंडेंजर्ड के स्थान पर है। ठीक है, आपने सुना होगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड, या फिर एंडेंजर्ड खाली, या फिर वल्नरेबल, लीस्ट कंसर्न, ये से सब जो है IUCN की जो है लिस्ट होती है, इसमें जो है कैटेगरीज होती है, तो ये एंडेंजर्ड की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर आपको आपको इस पे और बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। उत्तराखंड गिव्स नोड फॉर
ESZ, तो ये ESZ है क्या? ये है इको सेंसिटिव जोन। तो इस खबर को बेसिकली मेरा डालने का पर्पज ये था कि आपको पता होना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन होता क्या है। इस खबर में ज्यादा कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है नहीं, क्योंकि इसमें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एंड राजाजी नेशनल पार्क, दोनों में जो है ESZ का जो है ये एरिया जो अलॉट होना था वो उसको कैबिनेट की जो है मंजूरी मिल चुकी है। ये जो है खबर इस चीज से इंपॉर्टेंट होने के बजाय इंपॉर्टेंट ये हो जाते हैं कि इको सेंसिटिव जोन होते क्या है। तो आइए देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन होते क्या है। इको सेंसिटिव जोन और इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज आर एरियाज विद इन 10 किलोमीटर्स अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपका नेशनल पार्क है, ठीक है, ये आपका नेशनल पार्क है, आप इमेजिन करो इसको, ये राजा जी नेशनल पार्क है। अब इस नेशनल पार्क के अंदर ये चीज, इस नेशनल पार्क के अंदर एक कोर एरिया होगा, ये देखो ये कोर एरिया होगा, फिर एक बफर जोन होगा, अलग अलग जगह अलग अलग हिस्से में इसको कैटेगराइज करेंगे। कोर एरिया होगा, बफर जोन होगा, ट्रांजिशन एरिया होगा। तो इसका मतलब ये तीन कैटेगरी जो है इसलिए डाली है कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन, मतलब इस एरिया में कोर जो एरिया है इसमें जो है कुछ भी एक्टिविटी या फिर बहुत ही ना के बराबर इक्का दुक्का एक्टिविटी जो है अलाउड होगी। ये जो है मेन एरिया होगा एनिमल्स का, हम नहीं चाहते कि इस एरिया में जाए और इनको डिस्टर्ब करे, इसलिए हमने इसको कोर एरिया माना है नेशनल पार्क का। फिर उसके बाद आता है आपका बफर जोन। तो बफर जोन में भी एक्टिविटी जो है बहुत लिमिटेड होंगी, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी एक्टिविटी अब होना शुरू होंगी। जैसे इसमें लिखा है देखो ई, यानी एजुकेशन पर्पज से अगर कुछ भी चीज है वो यहाँ पे बफर जोन में हो सकती है, ठीक है। सेटलमेंट अगर करना है ट्राइब्स का, सेटलमेंट आप और हम नहीं जा सकते, फॉरेस्ट जो ट्राइब्स होती हैं, फॉरेस्ट के जो ट्राइब्स होती हैं जो वहीं पे रहते हैं, तो उनका जो है सेटलमेंट इस एरिया में हो सकता है। उसके बाद आती है टूरिस्ट रिक्रिएशन, अगर टूरिस्ट की जो सफारी हम देखते हैं टाइगर सफारी जो होती है वो यहाँ पे इस एरिया में अलाउड है, ठीक है। तो इस एरिया में ये ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं, कहाँ पे बफर जोन में। फिर आता है ट्रांजिशन जोन, तो ट्रांजिशन में जोन में है जो 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 ट्रांजिशन जोन में जो है और चीजें जो है अलाउ सकती हैं। अच्छा एक मॉनिटरिंग रह गया, सिर्फ जो है कोर एरिया में मॉनिटरिंग अलाउड है, मतलब कोर एरिया में एक चीज क्या अलाउड है वो है मॉनिटरिंग, मतलब जो है पशु या फिर एनिमल्स कैसे रह रहे हैं उनको मॉनिटर जो अगर करना है तो वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए आपकी जो कैमरा सेटअप्स होंगे उस चीज के लिए जो एक्टिविटी है वो वहां पे हो सकती है कोर एरिया में, उसके अलावा वहां पे कोई भी एक्टिविटी जो है अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो हमने अब देख लिया कि क्या क्या चीज जो है अलाउड होती है, क्या क्या चीज जो है होती है एक नेशनल पार्क के अंदर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर जो है क्या क्या चीज होती है, आपने आपको मैंने आपको बता दिया मोटा मोटा क्या होता है। तो इको सेंसिटिव जोन क्या है, तो मैंने आपको बताया फॉर एग्जाम्पल ये एक राजाजी नेशनल पार्क है, ये बाउंड्री है, तो इससे 10 किलोमीटर की जो रेंज है इस एरिया को, मतलब जो ये एरिया बैठ गया, इस एरिया को हम इको सेंसिटिव एरिया जो है डिक्लेयर कर सकते हैं 10 किलोमीटर के एरिया तक को, इसको हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन। यानी मतलब क्या होता है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, तो यहाँ पे आप सारी एक्टिविटीज जैसे फॉर एग्जांपल माइनिंग हो गई, आप इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते जो पॉल्यूशन करेंगी, तो ऐसी कोई चीजें जो एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इंपैक्ट करें वो यहाँ पे नहीं होगी, बेसिकली बात ये है। तो यहाँ पे हो क्या सकता है आइए हम देख लेते हैं। कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी है ऑब्वियसली हो सकती है, यहाँ पे एग्रीकल्चर का एनवायरनमेंट से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब है रिलेशन पर वो नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करता। हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज जो हो सकती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपको करनी है वो हो सकता है, ऑर्गेनिक अगर आपको फार्मिंग करनी है वो हो सकती है, रिन्यूएबल एनर्जी का कुछ भी आपको यूज करना है यहाँ पे हो सकता है, ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो आप देख रहे हैं कि इन सब चीजों में कॉमन ये है कि जो भी इन्वायरमेंट को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे वो यहाँ पे हो सकती है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट करे वो नहीं हो सकती इस इको सेंसिटिव एरिया में। तो इसको बोलते हैं हम इको सेंसिटिव जोन। तो आपको अब पता लग चुका है, बहुत अवेयर हो चुके हैं कि इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, 10 किलोमीटर का एरिया। अच्छा ये एरिया जो है 10 किलोमीटर नॉर्मली रहता है, इसको इन बढ़ाया भी जा सकता है, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि इसके बाहर जो है या मैं कुछ भी करूं, ये जो एरिया है यहाँ भी हो सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, बहुत ज़्यादा एलिजिबिलिटीज है जो सरकार स्पेसिफिकली हर जो है टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क में नहीं लगाती, उनको लगता है कि अगर उसको बढ़ाना चाहिए तो बढ़ा देती है, अगर लगता है कि 10 किलोमीटर तक फाइन है तो 10 किलोमीटर रखती है, इससे कम भी हो सकती है 10 किलोमीटर, ऐसे नहीं कि 10 किलोमीटर से कम नहीं हो सकती, 10 किलोमीटर से कम भी हो सकती है फॉर
फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में जो इस जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इन्होंने इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया की जो इन्होंने लाइन खींचने की कोशिश की है वो 7.5 किलोमीटर पे की है, जो कि 10 किलोमीटर से कम है। ठीक है, तो ये 7.5 किलोमीटर पे ही है, जितना भी 7.5 किलोमीटर का जो एरिया बनता है दस यहाँ इस बाउंड्री से जिम कॉर्बेट की, उस एरिया को ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बोल देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल, कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। उत्तराखंड ट्रेजेडी 2021, बहुत ही मतलब बुरा इवेंट हुआ था हमारे उत्तराखंड में फिर से इस बार, एक तरह से आपदा आप कह लो, बहुत ही दुर्घटनापूर्ण ये जो है हादसा हुआ था हमारे उत्तराखंड में। अनफॉर्चुनेटली बाय गॉड ग्रेस काफी लोग अपनी जान बचा भी पाए थे, काफी लोगों की जान गई इस हादसे में। 2013 के बाद ये बहुत बड़ा हादसा हमारे उत्तराखंड स्टेट में हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है इस न्यूज से। 2021 उत्तराखंड फ्लड ऑल्सो नेन एज चमोली डिजास्टर, आपको पता है ये चमोली जिले में हुआ था, ये तो आपने न्यूज देख देख के पता कर लिया होगी कि चमोली जिले में हुआ था। 7 फरवरी को ये जो हुआ था हादसा, नंदा देवी नेशनल पार्क अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द आउटर गढ़वाल हिमालयन हिमालय इन द उत्तराखंड स्टेट। तो ये जो थी ये था लोकेशन, ये हुआ कहाँ था, चमोली डिजास्टर को बोलते हैं, चमोली में हुआ था जो है नंदा देवी नेशनल पार्क के आसपास, जो कि एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड स्टेट। ये थी इसकी लोकेशन की हुआ कहाँ था। अब देखते हैं कि इस ये जो है इट कॉज्ड फ्लडिंग इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट, मोस्ट नोटेबली इन द ऋषि गंगा रिवर, ऋषि गंगा रिवर जो है इससे रिलेटेड थी, धौली गंगा रिवर जो है इससे रिलेटेड थी, एंड इन टर्न द अलकनंदा एंड द मेजर स्ट्रीम गंगा जो है इनका जो है इन्होंने पानी का स्तर बढ़ा दिया था। माना यह जाता है कि ये जो डिजास्टर हुआ था ऋषि गंगा जो है रिवर, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो वहां पे चल रहा था, इसको बोलते हैं ये जो एक हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है चल रहा था ऋषि गंगा रिवर के ऊपर, इसका जो है जल स्तर बढ़ गया था, इसका जो है जल स्तर बढ़ गया था। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी रिवर इस डिजास्टर में इन्वॉल्व थी, ऋषि गंगा, धौली गंगा रिवर और अलकनंदा। मतलब ये ऐसा होता क्या है, बेसिकली ऋषि गंगा का जो पानी है और धौली गंगा का जो पानी है ये एक पॉइंट पे आके मेरे ख्याल से तपोवन में, अगर मैं जो है सही हूँ तो तपोवन में आके जो है मिल जाता है, इसके बाद जो है पानी जाता है जाते जाते जाता है ये जो है अलकनंदा बन जाती है अलकनंदा। और आपको पता है कि देव प्रयाग पर आकर, ये जो है देव प्रयाग पर आकर इधर से भागीरथी आती है, इधर से अलकनंदा आती है और ये देव प्रयाग के बाद बन जाती है गंगा। तो आप मेरे को एक बताओ, अगर इसमें इस नदी में पानी जो है बढ़ जाएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी ज्यादा पानी होगा, और इसमें ज्यादा पानी होगा तो गंगा में पानी ज्यादा होगा। तो बेसिकली बात है कि ऊपर पहाड़ पर ये जो हादसा हुआ और उसके कारण पानी जो है जल स्तर जो है वहां पे बढ़ा, अलकनंदा में बढ़ा, उसके बाद गंगा गंगा जी में बढ़ गया। तो ये जो है रिवर्स इसमें इन्वॉल्व थी इस हादसे में। द डिजास्टर लेफ्ट ओवर 200 किल्ड और मिसिंग मोस्ट वर्कर्स एट द तपोवन डैम साइट। तपोवन डैम साइट जैसे मैंने आपको बताया कि तपोवन में जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट पावर प्लांट था वो चल रहा था, इस हादसे में काफी मौतें हुई, काफी लापता लोग हुए, बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट था। मैं नहीं चाहता या फिर हम हमारे में से कोई भी नहीं चाहेगा ऐसा इवेंट दोबारा हो, बट ये जो है इस हादसे से फिर से हम क्वेश्चन उठाते हैं कि क्या ये जो हमारे सेंसिटिव एरियाज है हमारे हिमालयाज के, इन पे ऐसा भारी भरकम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट लगाना सही है। और इस हादसे के बाद क्या हुआ हमारे देश में, सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी हमारे उत्तराखंड स्टेट में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट्स चल रहे थे उन पर रोक लगा दी। उन्होंने ये बोला कि आपने पहले तो ये बताओ कि ये जितने भी हाइड्रो पावर प्लांट्स है आप इसको प्रूव करो कि ये इन्वायरमेंट को है नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करते। तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट ने काफी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे रोक लगाई, लेकिन फिर भी दो तीन ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पावर प्लांट्स हैं जो अपनी फाइनल स्टेज में है, तो उसको प्रेजेंट डे गवर्नमेंट उसको पास कराने में, उसको रीस्टार्ट कराने में सक्षम रही और वो फिर से चल पड़े। तो ये तो आप और हमें डिसाइड करना है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट प्लांट जितने भी लगते हैं हमारी पहाड़ी इलाकों में ये कितने सेफ हैं वहाँ की लोकल पॉपुलेशन के लिए, इसके कितने बेनिफिट होते हैं हमारी ह्यूमंस हमारे हम ह्यूमंस के लिए, ठीक है, और कितना इसका कॉस्ट है, ये तो आप और हम डिसाइड करेंगे।
ठीक है, आपको हमें आपको ये अपना व्यूज देने चाहिए, आपका ये व्यू जो है बनना चाहिए। अगर आपका ये व्यू बन नहीं पा रहा है तो आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो चीजों को, जो कि करना बहुत जरूरी होता है। आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ के चीजों को एनालाइज भी करना है, उसको अप्लाई करना है। अगर आपको लगता है कि ये चीज गलत है तो शायद आपको कहीं ना कहीं आपको अपना व्यू पॉइंट उठाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज सही है गलत है ये आपको डिसाइड करने है। आपका जो आइडियोलॉजी अलग हो सकता है, ये आप डिसाइड करेंगे। हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, हम यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज हम देख लेते हैं, सीएम रोजगार योजना। तो सीएम रोजगार स्वरोजगार योजना, सॉरी स्वरोजगार योजना, तो ये योजना देख लेते हैं जिसमें नाम में ही दिख रहा है कि रोजगार यानी एम्प्लॉयमेंट। तो ये एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगी ऑब्वियसली। एक सेकेंड, मेरे को थोड़ा सा पॉज देना। जी, तो जैसे आपको लग रहा है कि सीएम स्वरोजगार योजना, आपको पता है कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होगी ऑब्वियसली बात है। तो देख लेते क्या है। द स्कीम प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द यूथ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है प्रमोट करती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि खुद से बिजनेस सेट करना, खुद से एम्प्लॉय होना। ठीक है, स्वरोजगार लिखा है, स्वरोजगार का मतलब ये होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इट ऑल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन एनर्जी। देख लेते हैं कैसे ग्रीन एनर्जी प्रमोट करती है। द बेनिफिशरीज ऑफ द स्कीम आर टू बी अलोकेटेड विद सोलर पावर्स ऑफ 25 किलोवाट ईच। तो बेसिकली स्कीम क्या है, इस स्कीम के दो पार्ट है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करेंगे, उनको लोन देना है। आप अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको लोन मिलेगा। अब लोन की भी अलग अलग कैटेगरी है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हो तो आपको 25 लाख का लोन मिल सकता है। और आपको सर्विसेज से रिलेटेड कोई जो है बिजनेस चलाना है तो आपको 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। ये कैटेगरी हो गई पहली। सेकंड कैटेगरी क्या हो गई कि मैंने आपको बोला कि ग्रीन एनर्जी के लिए भी प्रमोशन देता है। कैसे देता है कि तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए आपको पैसा देना है। आप पैसा लिए, सोलर पावर प्लांट जो है लगाइए। ठीक है, सोलर पावर प्लांट जो है लगाइए, इससे क्या होगा, आपको रोजगार मिल गया। कैसे रोजगार मिल गया, आपने सोलर पावर प्लांट बनाया, जो उससे एनर्जी जो है, जो आप इससे बिजली उत्पादन करोगे वो सरकार को आप बेच पाओगे। ठीक है, तो इसके दो पर्पज हो गए, एम्प्लॉयमेंट ऐसे आप अपना बिजनेस सेटअप करो किसी चीज में भी, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, और दूसरा अगर आपको सोलर पावर प्लांट लगाना है तो उससे भी आप जो है रोजगार जो है अर्न कर सकते हो, कमा सकते हो पैसा अपना। ठीक है, तो इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, हमने देख लिए कैसे कैसे ये स्कीम जो है काम आ रही है। अंडर द स्कीम द प्राइवेट बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स आर टू प्रोवाइड लोन्स फॉर 15 ईयर्स। 15 साल के लिए आपको लोन मिलेगा, 8% का ब्याज दर रहेगी। ये कोई आपको पूछने वाला है नहीं। ठीक है, तो आपको बस पढ़ना जरूर है, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब मैंने आपको बोल दिया कि कोई पूछेगा नहीं तो मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है तभी ये स्लाइड के अंदर है। बस ये है कि इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, आपको बस ये एक बार पढ़ लेना है। जब भी आप रिवाइज करोगे तो ये स्टेटमेंट इग्नोर नहीं करनी है, आपको पढ़नी है ताकि आपके माइंड में रहे कि अगर वो बाई चांस पूछ लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई 8% की ब्याज पे हमको पैसा मिल रहा है स्वरोजगार योजना के तहत। द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, हमने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25 लाख है, और सर्विसेज या फिर अलग जो बिजनेस होना है होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, उसके लिए 10 लाख रुपए जो है आपको लोन मिलेगा। तो ये थी आपकी सीएम स्वरोजगार योजना, जो कि काफी हद तक मुद्रा योजना जो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की उससे मिलती जुलती है, जहाँ पे आपको शिशु, तरुण और किशोर लोन जो आपको मिलते हैं तो उससे थोड़ी रिलेटेड है। ठीक है, और ऑल्सो एमएसएमई का जो थोड़ा सा पार्ट होता है कि आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से आपको लोन मिलेगा, ये सब के आपको स्मॉल एंटरप्राइज अगर आपको तो उसके लिए अलग से लोन मिलेगा, तो उसके लिए भी थोड़ी सी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थी आपकी स्वरोजगार योजना। नेक्स्ट हम चलते हैं जानकी सेतु ओपन फॉर पब्लिक। बहुत छोटी सी न्यूज है, फटाफट देख लेते हैं। द ब्रिज जो है मुन्नी की रेती से स्वर्ग आश्रम तक कनेक्ट करता है। ऋषिकेश में ये ब्रिज है, आप अगर ऋषिकेश कभी जाएं या फिर जा चुके हो तो आपको देखा होगा आपने कि ऋषिकेश घुसते ही पहला ब्रिज अब ये पड़ता है। इसके बाद आपका पड़ता है राम झूला, शायद उसको बोलते हैं। मैं राम झूला और लक्ष्मण झूला में हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ, कौन सा राम झूला है कौन सा लक्ष्मण झूला है। ठीक है, तो लक्ष्मण झूला तो बंद हो चुका है। ठीक है, तो ये आपका जानकी सेतु जो है उसका नाम का ब्रिज जो आप कहाँ खुला, आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश में खुला है। बहुत सिंपल न्यूज, अगर आपको उनको सिंपल क्वेश्चन पेपर बनाना तो दे देंगे। अलॉन्ग विद दिस सीएम ऑल्सो अनाउंस कंस्ट्रक्शन ऑफ बजरंग सेतु। बजरंग सेतु मैंने आपको बोला कि ऋषिकेश में एक ब्रिज खुलने वाला था, जो हमने वीडियो की स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो
ग्लास ब्रिज। तो उस ग्लास ब्रिज का नाम होने वाला है बजरंग सेतु, जो खुलेगा लक्ष्मण झूला की जगह पे, क्योंकि हमने हमें एक पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट से यहाँ पर उन्होंने बोला था कि लक्ष्मण झूला जो है अब जो है पुराना हो चुका है, ये सेफ नहीं है, तो लक्ष्मण झूले पे नहीं जाना है आपको। कहने की बात यह है कि वो कभी भी टूट सकता है या फिर वो फिट नहीं है अब यहाँ पर यूज करने लायक। तो इसलिए उन्होंने ऑल्टरनेटिव के लिए बजरंग सेतु का जो है अनाउंसमेंट किया कि एक ग्लास ब्रिज आएगा और वो लक्ष्मण झूले को रिप्लेस करेगा। जानकी सेतु ब्रिज वॉज अनाउंस बाई एनडी तिवारी जी ने ये अनाउंस किया था 2006 में। यानी आप देख लो कि ऑलरेडी ये जो है 15 साल तो उसको बीत चुके हैं, अभी तक तो ये पन्नों पे ही है, कागजों पे ही है, तो जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन ऐसा है कि ये कुछ है, जानकी सेतु आ चुका है, सॉरी जानकी सेतु, जान मेरे को लगा ग्लास ब्रिज की बात कर रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जानकी सेतु है जो 2006 में जो है अनाउंस हुआ था, और अब ये 2021 में ऑल बन चुका है। मेरे को लगा कि ये उसकी बात कर रहे हैं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, जानकी सेतु की हम बात कर रहे हैं। जानकी सेतु जो है एनडी तिवारी जी ने इसको इनॉग्रेट किया था, इसको लॉन्च किया था 2006 में। 2013 में फिर से ये जो है पास हुआ, लेकिन जो है फिर से इस पे काम रुक गया, और 2018 में बेसिकली फिर से इस पे रिस्टार्ट हुआ, और 2021 में ये फाइनली तैयार है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है, जानकी सेतु कहाँ पे है, ऋषिकेश में है, मुन्नी की खेती और स्वर्ग आश्रम से ये जो है ब्रिज जो है कनेक्ट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है बस, और ये इंपॉर्टेंट है एनडी तिवारी जी ने ये लॉन्च किया था। नेक्स्ट न्यूज, सीएम वैष्णवी सुरक्षा योजना, एक और योजना जो है हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो देख लेते क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रमोट द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपने हर किसी ने पढ़ा होगा, सुना होगा। तो ऐसी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो इसी की मुहिम पर, इसी की तर्ज पर ये स्कीम जो है हमारे उत्तराखंड में जो है लॉन्च हुई है। इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है कि जो है गर्ल चाइल्ड जो है लड़कियों का जो पॉपुलेशन है वो हमें बढ़ाना है, हमें लड़कियों को प्रमोट करना है, तो ये हमारा उद्देश्य है इस स्कीम का। इन हुज हाउस अ गर्ल विल बी बॉर्न इन उत्तराखंड इफ शी सेंड्स हर सेल्फी, उसको अगर हम उनकी सेल्फी जो है बच्ची के साथ क्लिक करेंगे देन हमें एक वैष्णवी सेफ्टी किट मिलने वाली है। तो ये वैष्णवी सेफ्टी किट में होगा क्या, दिट विल इंक्लूड मैनी थिंग्स फॉर इमीजिएट यूज ऑफ द डॉटर, इनके कपड़े हो सकते हैं इसमें छोटी बच्ची के, इनके यूज करने की जो है साबुन हो सकता है, ये सब जो है छोटी सी किट आपको प्रोवाइड की जाएगी उत्तराखंड सरकार की तरफ से। साथ ही साथ आपको एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, आपको बधाई दी जाएगी, वैष्णवी सुरक्षा योजना विल बी कंडक्टेड, इम्पॉर्टेंट, हाईली इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, फॉर ऑब्वियस रीजन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है उत्तराखंड का, इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनेगा, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। थ्रू दिस स्कीम द बेनिफिशियरी फैमिली विल ऑल्सो गेट अ इंश्योरेंस कवर, भी उनको मिलने वाला है। तो आपको ये याद रखना है इस स्कीम से कि वैष्णवी सुरक्षा योजना है किस लिए। तो वैष्णवी आपको एक लड़की का नाम ही मिलेगा, तो वैष्णवी लड़की का नाम होता है, तो लड़की सुरक्षा कन्या जो है की सुरक्षा के लिए ये योजना है। तो ऐसे ही इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये स्कीम है किस लिए। हिंदी मीडियम के लिए मैंने फिर से ये डाला हुआ है कि उनको अगर थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ना है, तो मैंने डाल दिया है कि जानकारी मिलने पर बालिकाओं के जन्म पर उत्तराखंड का महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग माताओं को वैष्णी किट प्रदान करेगा। ठीक है, ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, आप पढ़ सकते हो आराम से, जिनको थोड़ा सा मटेरियल आपको हिंदी में पढ़ना है। तो नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं। ओके, यही हमारी स्लाइड जो है लास्ट थी। तो हमने आज मेरे ख्याल से फिर से, मैं हर एक लेक्चर में 10 10 करंट अफेयर के टॉपिक्स जो है डिस्कस कर रहा हूँ, 10 हमने आज के पूरे कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर से 10 के करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस जो है अच्छी लग रही हैं, आपके किसी भी काम आ रही हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपको लग रही हैं, देन प्लीज 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 लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। ये सब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मेहनत तो लगती है यार, आपको देख रहे हो कि आप मैंने स्लाइड्स जो है अपनी कितनी प्रेजेंटेबल बना रखी हैं। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपको मेरे चैनल की जितने भी पहली वीडियोस मैंने लेक्चर 1 2 3 जो है डाल चुका हूँ, और एक मैंने वीडियो डाली है फाउंडेशन डे पे, जो उत्तराखंड के फाउंडेशन डे पे सीएम ने अनाउंस किया है, सीएम ने जो भी चीज़ें अनाउंस की हैं, तो जितनी भी चीज़ें अनाउंस की है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो वो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है। तो वीडियो, इन तीनों चारों वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको बता ही दिया था स्टार्टिंग में मैं क्या क्या कोर्स जो है स्टार्ट करने वाला हूँ,
तो आप वैसे ही अपनी तैयारी जो है अलाइंड रखें, वैसे ही अपनी तैयारी करते रहें। डेट अभी तक नहीं आई आ, आ, अभी तक नहीं आई है उत्तराखंड पीसीएस की। अगर बात करो तो हम चाहते तो हैं कि अब दिसंबर में तो ना ही होगी, क्योंकि हमें 1 महीना तो एटलीस्ट देना चाहिए सरकार को। बाकी देखो अगर जनवरी में हो जाए तो और भी अच्छा है, तो और हमारे को टाइम मिल जाएगा। तो मैं लगता है कि फिर मैं उसके बाद जीएस की, जो उत्तराखंड की जीएस बनती है, उसके भी मैं लेक्चर आराम से फिर प्रोवाइड करा दूंगा अगर दिसंबर में, अगर जनवरी हमारा एग्जाम होता है तो। ठीक है, तो स्टडी विद शिवम मौर्य मेरे चैनल का नाम है। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो अगर आपको लग रही है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिल रहा है। और लेट्स क्रैक इट टुगेदर, एग्जाम हमको दोनों को क्लियर करना है। लेट्स क्रैक इट टुगेदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। करो।